Hello YouTube, Assalamu Alaikum, this is Zainul Abidin and you are watching my YouTube channel. आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए United Brevo का complete review. आप गाड़ी के टर्न सिग्नल्स देख सकते हैं और इसके साथ ही डोर हैंडल्स मौजूद हैं. और अगर हम इस गाड़ी के साइड मिरर्स की बात करें तो ये ब्लैक सिंपल प्लास्टिक में दिए गए हैं. ये गाड़ी आपको 13 इंचेस एलॉय रिम के साथ मिलेगी जिनके ऊपर यूनाइटेड का लोगो मौजूद है. फ्रंट लैंप्स की अगर हम बात करें तो हैलोजन बल्ब के साथ आते हैं ये, और इनके साथ ही टर्न सिग्नल भी मौजूद है. फॉग लाइट्स इस गाड़ी में पहले से इंस्टॉल्ड हैं. फ्रंट पर यूनाइटेड का लोगो आपको मिल जाएगा और इसकी ग्रिल ब्लैक कलर में दी गई है. गाड़ी के वाइपर्स और इसके साथ ही विंडशील्ड वॉशर भी मौजूद है. ड्राइवर डोर के ऊपर आपको हैंडल के बिल्कुल नीचे की होल मिल जाएगा. पार्किंग लाइट आप देख सकते हैं और यह रहा इस गाड़ी का साइड मिरर. You can see the tail lights of this car. This is the back side of the car. Back पर आपको United का logo मिलेगा और इस तरफ आपको Brevo लिखा हुआ मिल जाएगा. ये गाड़ी आपको parking sensors और reverse camera के साथ मिलेगी. अगर हम इसकी की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग की गई है की के ऊपर, और इसके साथ फोल्डेबल की दी गई है. ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कार लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है. सेकंड की भी हमारे पास मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कीलेस एंट्री की ऑप्शन मौजूद नहीं है. सो लेट्स ओपन द कार. डोर्स की अगर हम बात करें तो नहायत ही खूबसूरत डिटेलिंग की गई है वुडन पैनल्स के साथ, और डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगा. और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसके ऊपर विंडोज़ अप एंड डाउन बटन्स मौजूद हैं और विंडोज़ लॉक अनलॉक बटन मौजूद है. डोर का स्टोरेज कंपार्टमेंट, स्टीयरिंग व्हील आपको ब्लैक और सिल्वर कंट्रास्ट में दिया गया है. थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और इसका मटेरियल सॉफ्ट प्लास्टिक और लेदर टाइप मिक्स में आ रहा है. और यह रहा इसका स्पीडोमीटर. फ्रंट पर एयर वेंट्स आप देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में दिए गए हैं और इसके ऊपर सिल्वर कलर की आउटलाइन दी गई है. और नीचे आपको ट्रंक ओपनर मिल जाएगा. और ये रहे इस गाड़ी के पेडल्स, वाइपर कंट्रोल्स बटन, लाइट कंट्रोल्स बटन, और ये रहा इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और उसके नीचे एयर वेंट्स मौजूद हैं. हैजर्ड लाइट्स बटन आप देख सकते हैं. और ये रहे इसके एयर कंडीशनर कंट्रोल बटन्स.
नीचे एक पावर आउटलेट मौजूद है और उसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। गियर साथ ही ब्रेक लीवर मौजूद है जो कि बिल्कुल सिंपल ब्लैक में मिल जाएगा। कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक आर्म रेस्ट के साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया। की बात करूं तो सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। सीट बेल्ट्स मौजूद हैं गाड़ी में। सनशेड्स के ऊपर आपको मिरर की ऑप्शन नहीं दी गई दोनों साइड पर अनफॉर्चुनेटली। एलईडी लाइट्स मौजूद हैं। चलिए आपको इसकी फ्रंट लाइट ऑन करके दिखाते हैं। इसके इंटीरियर की तो प्राइस को कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई है इंटीरियर की। वुडन पैनल्स दिए गए हैं इसके ऊपर और निहायत ही खूबसूरत स्टाइलिंग की गई है। स्पीडोमीटर बहुत अच्छे खूबसूरत डिजाइन में दिया गया। ग्लव बॉक्स को इस गाड़ी में पावर आउटलेट की ऑप्शन मिल जाती है और साथ ही आपको यूएसबी की ऑप्शन भी मिल जाती है यहाँ। तो चलिए आपको इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं। इस गाड़ी के इंजन की अगर हम बात करें तो ये 800 सीसी इंजन है यूरो 2 टेक्नोलॉजी के साथ, इनलाइन 3 है और ये ईएफआई इंजन है। इंजन दिखाते हैं। So this is the engine of the car. It is 800 cc EFI and Euro 2 technology. Aur dry battery isme installed hai. Ye iska liquid coolant hai engine ke liye. So this is the closer look of the engine. You can see the quality. और 30 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ इस गाड़ी का फ्यूल टैंक आता है। कंपनी का कहना है कि EFI इंजन होने की वजह से ये गाड़ी 15 टू 16 किलोमीटर पर लीटर मुहैया करने की सलाहियत रखती है। मेरे साथ इस वक्त यूनाइटेड ब्रावो के डायरेक्टर मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद हैं और बाकी तफसीलात इनसे हम पूछते हैं। तो पहले तो हम इनसे गाड़ी के इंजन के बारे में पूछना चाहेंगे। अच्छा, और कितने हॉर्स पावर है इसके? 40 हॉर्स पावर का, ठीक हो गया, सही हो गया। और इसकी एवरेज के बारे में बताना चाहेंगे कि ये 15 प्लस दे रही है? ठीक है, ओके जी। इस गाड़ी की बुकिंग वगैरह अवेलेबल है अब या बंद कर दिया? अच्छा, तो आप कोई डेट इन्फो बताना चाहेंगे कि कब से स्टार्ट हो जाएगी बुकिंग दोबारा? ये कंफर्म बुकिंग करने के टाइम कंपनी देगी। अच्छा, ठीक ठीक। बताइएगा कि ये गाड़ी कितने कलर्स में अवेलेबल है? 3 कलर्स वाइट, सिल्वर और ग्रे। ठीक हो गया, ओके जी। इरशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए। बैक सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं। और लेग स्पेस भी इतनी बुरी नहीं है। बैक साइड पर ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं। बैक डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं और इसके साथ ही वुडन पैनल्स के ऊपर आपको विंडो को अप एंड डाउन करने का ऑप्शन दिया गया है। बैक डोर पर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा।
बैक स्पेस अभी हम आपको इसकी ओपन करके दिखा देते हैं। ये रही गाड़ी की बैक साइड स्पेस। ये रही इस गाड़ी की फ्रॉम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस पर मौजूद। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो यूनाइटेड मोटर्स का नंबर आपको मिल जाएगा इस पर। ओके गाइस, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।